बच्चों प्यार भरा और खलुस भरा आदाब। हम आज जो आपके निसार में शामिल दुआ उस सबक को हम पढ़ने जा रहे हैं। सबक में ऊपर बहुत सारी तस्वीर दिखाए गए हैं। आप इन पे गौर करके ये बताएंगे कि इन तस्वीरों में आपको क्या नजर आता है। ये चार तस्वीर है। इन चार तस्वीरों में हर मजहब के लोग आगे बैठे हैं और हर एक तस्वीर अपनी कयासी अकासी करता है। अपनी अकासी किस तरह करता है? पहले जो बच्चा है ये एक इबादत गाह के सामने दुआ गो है। ये इबादत गाह क्या है? ये है मस्जिद शरीफ। इसके बाद एक और बच्चा है जो मंदिर के सामने अपनी पूजा करता है, और एक बच्चा जो गुरुद्वारे के सामने सजदा दे रहा है, झुक रहा है, और एक बच्चा जो गिरजाघर के सामने खड़ा है। यानी हर मजहब के लोग यहाँ पे रहते हैं। हर मजहब की अलग अलग इबादत गाहें हैं। मुसलमानों की मस्जिद शरीफ है, हिंदुओं का मंदिर है, ईसाइयों का जो है गिरजाघर है, और सिख लोग जो है उनका गुरुद्वारा है। हर एक अपने अपने इबादत गाह में इबादत के लिए जाते हैं। बच्चों ये सबक जो है ये इसमें खुदा का शुक्र है कि बच्चे कैसे खुदा का शुक्र अदा करते हैं और बच्चे कैसे दस्प दुआ हो जाते हैं, अल्लाह के सामने वो कैसे दुआएं मांगते हैं। हमें चाहे कि हम भी अल्लाह के सामने दस्प दुआ हो जाए और अपने लिए दुआ मांगे। यहाँ नज़म ऐसे है, मेरे खुदा तू है बड़ा सबसे बड़ा, तूने मुझे पैदा किया, तूने मुझे सब कुछ दिया। ये एक बच्चा जो है ये उनकी दुआ है। बच्चा कह रहा है मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा आप सबसे बड़े हो, आप सबसे महान हो, तूने मुझे पैदा किया, आप ही मुझे जन्म देने वाले हो, आप ही ने मुझे इस दुनिया में लाया है, आप ही ने मुझे पैदा किया है, तू है, तूने मुझे पैदा किया, आप ही ने मुझे पैदा किया, छोटा हूं मैं, तू है बड़ा, हो शुक्र फिर कैसे अदा। यानी इंसान की जो हसियत है वो बहुत ही छोटी है, इंसान बहुत ही छोटा है, परवरदिगार के सामने इंसान की हसियत है नहीं कुछ, मगर परवरदिगार ही इंसान को बनाने वाला है। तू है बड़ा सबसे बड़ा, तूने मुझे पैदा किया, छोटा हूं मैं, तू है बड़ा, ऐ मेरे परवरदिगार आप सबसे बड़े हो, आप सबसे महान हो, हो शुक्र फिर कैसे अदा। मैं कैसे शुक्र आपका अदा करूं, मैं किस जबान से आपका शुक्र अदा करूं, अगर मेरी जुबान शर्मा की तरह भी पिघल जाए तब भी मैं आपका शुक्र अदा नहीं कर पाऊंगा। ऐ दो जहां के बादशाह सुन ले ये मेरी इल्तिजा, ऐ मेरे खुदा मेरी इल्तिजा मेरी गुजारिश सुन ले, क्योंकि आप दो जहां के बादशाह हो, आप अर्श और आप फर्श के खुदा हो, आप सुनने वाले हो, हम आपसे ये दुआ मांग रहे हैं, आपसे ये इल्तिजा कर रहे हैं, ऐ मेरे खुदा आप दो जहां के बादशाह हो, माँ बाप की खिदमत करूं, हर एक की इज्जत करूं, ऐ मेरे परवरदिगार मैं आपसे ये गुजारिश करता हूं। ये एक बच्चे की दुआ है, कह रहे हैं कि मैं अपने माँ बाप की, मैं अपने वालदेन की खिदमत करूं और सबकी इज्जत करूं और बाकी लोगों की इज्जत आबरू एहतराम करूं, हर एक के काम आऊं मैं, सबकी भलाई चाहूं मैं, हर एक के काम आऊं मैं, यानी हर एक का हाथ बटाऊं मैं, चाहे कोई मुश्किल में हो, गम में हो, कोई किसी चीज में मुबतला, मैं ज़ईफ़ों का, मैं नादारों का, मैं नातवानों का, मैं कमजोरों का मदद करना चाहता हूँ, सबकी भलाई चाहूँ मैं और हर एक का अच्छा चाहूँ मैं। भलाई होती अच्छाई, मैं हर एक की अच्छाई चाहूँ, मेरे से कोई भी गुनाह सरजद ना हो, मैं हर एक को अच्छे अच्छाई करना चाहता हूँ, हर एक के साथ अच्छाई से पेश आना चाहता हूँ, हर एक के काम आऊं मैं, सबकी भलाई चाहूं मैं हर एक के काम आना चाहता हूं और हर एक की अच्छाई चाहता हूं।
दुख में हो कोई मुब्तला इसका बनो में आसरा। जब भी कोई दुख में मुसीबत में तकलीफ में गिरफ्तार हो तो मैं उसका एक सहारा बनूं। आसरा होता है सहारा, मैं उसका सहारा बनूं, मैं उसको मदद करूं कि मुझ में ये कुवत दे, ये शक्ति दे, ये कुवत दे, ये तौफीक अता फरमा कि मैं दूसरों का सहारा बन जाऊं, मैं दूसरों का आसरा बन जाऊं। मकबूल हो मेरी दुआ ऐ मालिक अर्ज़ो समा, ऐ मेरे खुदा ये जो मेरी दुआ है ये कबूल कर, इसको कबूलियत दे कि मैं हर एक के काम आऊं, मुसीबत में जो भी मुब्तला हो उनका मैं आसरा बनूं, उनका मैं सहारा बनूं। जो भी मुसीबत में है, जो भी कमज़ोर हो, नादार हो, ज़ईफ़ हो, नातवान हो, उनको मैं इस मुसीबत से निकाल सकूं। मुझ में इतनी हिम्मत दे, मुझ में इतनी ताकत दे, मुझ में हिम्मत इस कदर दे कि मैं हर एक को काम आऊं, हर एक को मदद कर सकूं। मगर ये मेरी दुआ है, ये दुआ जो है ऐ मेरे अल्लाह, ऐ परवरदिगार, ऐ अर्जो अर्जो समा के मालिक, ऐ जमीन और आसमान के मालिक, मेरी ये इल्तिजा सुन ले, मेरी ये दुआ कबूल फरमा कि मैं हर एक के काम आऊं, क्योंकि आप सबसे बड़े हो, आप दो जहां के मालिक हो, आपकी ये सारी कायनात है, मुझ मेरी भी ये कबूल, मेरी भी ये दुआ कबूल फरमा। इस नज़्म में सारी चीजें हैं, बच्चे की दुआ है, अल्लाह से इल्तिजा है, अल्लाह से गुजारिश है, अल्लाह से अहज़ारी ये बच्चा कर रहा, ऐ मेरे अल्लाह मेरी जो भी दुआ है वो कबूल फरमा, मैं अपने माँ बाप की इज्जत करूँ, दूसरों की खिदमत करूँ, माँ बाप की खिदमत और दूसरों की इज्जत करूँ, और दुख में अगर कोई भी मुब्तला हो उनका मैं आसरा बनूँ। मगर तभी ये सारा मुमकिन है जब आप मेरी दुआ कबूल करोगे। प्यारे बच्चों, ये जो सबक है इसके नीचे जो है मशक है, अब हम बाद में इसकी मशक करेंगे। जैसे इस पे लिखा है बच्चा किससे दुआ मांगता है, आपका जवाब होना चाहिए बच्चा परवरदिगार से, खुदा से दुआ मांगता है। दूसरा सवाल है इसका, बच्चा माँ बाप के लिए क्या करना चाहता है। आपने पहले ही सबक में पढ़ा है बच्चा माँ बाप के लिए खिदमत करना चाहता है, और बच्चे का ये एक फर्ज है, अवलीन फर्ज है, वो अपने वालदेन की खिदमत करे, इज्जत करे, उनका प्यार रखे दिल में। दूसरों के लिए बच्चा क्या करना चाहता है, दूसरों के लिए बच्चा इज्जत करना चाहता है। बच्चा दुख में मुब्तला किसी आदमी के लिए क्या करना चाहता है, बच्चा दुख में मुब्तला किसी आदमी का आसरा सहारा बनना चाहता है। फिर है इस पे तूने मुझे डैश किया, यानी ये खाली जगह है, आपको पता होना चाहिए कि हमें किसने पैदा किया। तूने मुझे पैदा किया, तूने मुझे सब कुछ दिया, ऐ दो जहां के बादशाह सुन ले ये मेरी इल्तिजा। फिर है इसके बाद आपके एक मशक, उस मशक में यहां से हमें कालम अलिफ है और यहां से हमें कालम बे है, आपको हर अल्फाज की मानी याद होनी चाहिए। अगर यहां पे इल्तिजा लिखा है आपको दूसरी साइड से दूसरी तरह से देखना है कि इल्तिजा का असली मानी क्या है। इल्तिजा होती है गुजारिश, बलाई होती है अच्छाई, मुब्तला होता है गिरफ्तार, दुख होता है तकलीफ, आसरा होता है सहारा, मकबूल होता है, हाँ मकबूल क्या होता बोलिए, कबूल होना। फिर है इसने बोला है छोटे से बड़ा आप ज़ैल में दिए गए अल्फाज के अज़दाद वाले अल्फाज लिखिए। जैसे जमीन है, जैसे हम बोलते हैं जमीन है, जमीन को क्या है जिद उसका, आसमान छोटे का है बड़ा, माँ का है बाप, दोस्त का है दुश्मन। हाँ फिर यहाँ पे एक बॉक्स, बॉक्स में बनाया है एक पूरा डिब्बा है, उसमें पूरा लिखा है मगर किस तरह से बेतरतीब लिखा है, उसमें लिखा है खुदा एक सबका की इबादत हर जगह, यहाँ पे लिखा है। आपको इस बॉक्स में, इस जो भी इसका बॉक्स बनाया गया है इसको आपको तरतीबवार लिखना है, यानी खुदा, हाँ खुदा से दुआ मांगेंगे, खुदा सबका मालिक है, खुदा हर एक का है, खुदा हर जगह मौजूद है। हाँ फिर है खुदा के चार नाम लिखिए। हमें खुदा के नाम इतने याद है,
رزاق ہے, جیسے قرآن میں بھی ہم پڑھتے ہیں یا رحیم ہو یا رحمان ہو یا رزاق, اتنے ہیں. آپ رزاق لکھیے, رحیم لکھیے, ہاں ستار لکھیے, مالک لکھیے, یہ چار ہے, یہ آپ کی ایکسرسائز ہے. مجھے امید ہے کہ ہر بچے نے یہ سبق اچھے سے ذہن نشین کیا ہوگا, اور آپ یہ مشق جو ہے میں نے جو پڑھی ہے, میں نے جو آپ کو اچھی طرح سے واضح کی ہے, تو آپ اس کا اچھے سے خود جواب لکھ سکو گے. والسلام.